राजस्थान की मरुगंगा के जाने वाली लोनी नदी ने अब सांचोरी में प्रवेश कर लिया है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, अब आपको दिखाना चाह रहा हूँ लोनी नदी ने सांचोर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। देखिए किस तरह से गांधव पुल के नीचे से लोनी नदी का तेज बहाव चल रहा है। लोनी नदी ने कल शाम को गांधव पुल के नीचे से प्रवेश कर लिया था और गांधव पुल के नीचे से प्रवेश करने के बाद अल सवेरे सितलवाना उपखंड के कई गांवों के रास्ते भी लोनी नदी ने अवरोध कर दिए, क्योंकि उन रास्तों के ऊपर से, उन सड़कों, उन रपटों और पुलियों के ऊपर से पानी का तेज बहाव है और जैसे ही लोग सवेरे घरों के बाहर निकले तो उनके रास्ते उनको अवरुद्ध मिले और उनके घरों के आगे से निकलने वाली निजी ट्रांस बस भी उसी जगह पर खड़ी नजर आई। तो तमाम लोगों के लिए ये चर्चा का विषय बन गया कि आज ये गांव की बसें सांचोर के लिए क्यों नहीं गए। तो पूछताछ शुरू की तो लोनी नदी में रेगिस्तान की मरुगंगा के जाने वाली नहर क्षेत्र की जीवन दायिनी ने एक बार पुनः सांचोरी में प्रवेश कर लिया है। किसान ये कह रहे हैं कि अब लोनी नदी का सांचोर में आने के बाद, नहर क्षेत्र के कई गांवों में आने के बाद हमारी फसलों को काफी अच्छा फायदा होगा, हमारी फसलें अच्छी तरह से पकेगी। वर्षा ऋतु की फसलें ही नहीं, शीत ऋतु की फसलें भी अच्छी तरह से पकेगी, क्योंकि नहर क्षेत्र की मिट्टी इतनी उपजाऊ है उसमें एक बार पानी जब लोनी से प्रवेश कर लेता है, लोनी के बहाव क्षेत्र में आ जाता है, तो फिर एक पूरी ऋतु में फसलों को पानी पिलाने की जरूरत नहीं होती है और फसलें अच्छी तरह से अच्छी पैदावार होती है। अभी की बात करें तो बाजरा और ग्वार की फसल अथाक पैदा होगी और शीत ऋतु की बात करें तो गेहूं, रायड़ा और एरंडी की फसल की पैदावार अथाक होगी। क्या कि लोगों ने कहा है कि हमारे लिए लोनी नदी जो एक बार पुनः मीठा पानी लेकर पहुँची है तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा फायदा होगा। मैं इन रास्तों की बात करूं, कौन कौन से रास्ते अवरुद्ध हैं उनकी जानकारी देना चाहूं तो चितलवाना उपखंड के 3 से 4 दर्जन गांव के रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। इधर से बात करें तो पादरी, होती गांव, टूटवा, टापी, पावटा, खासरुवी, बेसनपुरा, खेजा, अकोड़िया, घाट की तमाम कई गांव के रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। करीब ऐसी जानकारी मिल रही है कि 50 गांव के रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। लोगों के जो रास्ते थे, जो सड़कें थी, उनके ऊपर जल भरा हो चुका है और लोग अब उन रास्तों से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि टापी, टूटवा, खेजड़ियाली, इन लोगों का सांचोर और चितलवाना उपखंड पहुंचना है तो वे नेशनल हाईवे जो भारतमाला का बना हुआ साता, शेड़ा और बखासर की तरफ जाता है, उस रास्ते से वे सांचोर या बाड़मेर की तरफ आ सकते हैं। बाकी जो नहर क्षेत्र से मुख्य रास्ते जा रहे थे वे तमाम रास्ते एक बार लोनी नदी आने के बाद रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। मैं आपको पुनः एक बार लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरह से जालौर और बाड़मेर सीमा के बीच जो गांधव ब्रिज बना हुआ है, गांधव पुल बना हुआ है, उस पुल के नीचे से पानी किस तरह से गुजर रहा है, देखिए मैं एक बार आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम दर्शक इस खबर को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, तमाम उन लोगों तक इस खबर को पहुँचाइएगा। वे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि लोनी नदी में इस बार वर्षा ऋतु में पानी कब आएगा, तो उनको ये बताइए कि लोनी नदी में पानी एक बार जून में आ चुका है। जून में लोनी नदी ने सांचोर में प्रवेश कर लिया है। तमाम दर्शक एक बार इस खबर को शेयर करके तमाम उन लोगों को सतर्क व सावधान कर दीजिएगा कि वे बहते पानी में प्रवेश नहीं करें, अपने वाहनों को उस पानी में नहीं डालें, अपने पशुओं को पानी में नहीं जाने दें। यदि आप वाहन चला रहे या किसी में वाहन में बैठे हैं तो अपने वाहन को उस पानी में तेज बहाव में प्रवेश न करें, क्योंकि तेज बहाव की वजह से आपका वाहन अनियंत्रित होकर पलट भी सकता है, कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। तमाम दर्शक एक बार खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सहयोगी ओम प्रकाश पुरोहित के साथ मैं ओम प्रकाश चौधरी, सांचोर।